गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी की 14 वर्षीय बच्ची जिसका नाम सादिया हफीज है, उसने ज़िला डोडा का नाम तो रोशन किया ही किया है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो इस समय भारत में रोशन किया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 2.0 में पूरे भारत से कुल मिलाकर 25 छात्र जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, और उन 25 छात्रों में एक हमारे ठाठरी की ये बच्ची है जिसने सिलेक्शन उसमें पाया है। आपको बता दें कि ये कंपटीशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, और आपको हम बता दें कि इसमें जो है इस कंपटीशन में बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे अपने आइडल्स के लिए। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपको भगत सिंह पसंद है तो भगत सिंह आपको क्यों पसंद हैं, और लोगों तक आप ये अवेयरनेस जो है वो पहुंचाएंगे कि भगत सिंह ने क्या क्या कारनामे किए थे, क्या क्या काम जो है वो देश के लिए किए थे, और हमें भगत सिंह की इज्जत क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार के भगत सिंह थे, और ये तमाम प्रकार की जो अवेयरनेस है वो इस कंपटीशन में जो है वो फैलाई जाएगी। और साथ ही साथ आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वीर गाथा 2.0, ये कंपटीशन जो है वो 9th और 10th कंपटीशन जो है वो इस समय प्रेस्टीजियस कंपटीशन जो है ये होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये कंपटीशन जो है वो करवाया जा रहा है, जिससे देशभक्ति सामने आए, ताकि लोग जो हैं उन वीर देशभक्तों के बारे में जान सकें, उनके बारे में अच्छे से पहचान सकें कि वो कौन लोग थे और उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए हैं हमारे देश के लिए, इसलिए उनको जो है क्रांतिकारी कहा जाता है, या इसलिए आज के समय में उनकी इतनी इज्जत जो है वो की जाती है। 14 वर्षीय ये ठाठरी की गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की ये बच्ची है सादिया हफीज़, और परिवार वाले बहुत खुश हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के तमाम अध्यापक जो हैं वो इस समय खुश हैं, और ये दुआ कर रहे हैं कि जैसे ही ये कंपटीशन होगा वीर गाथा प्रोजेक्ट 2.0, ये जैसे ही ये प्रोजेक्ट जैसे ही ये कंपटीशन शुरू होगा, और उस कंपटीशन में जो है वो ये बच्ची सादिया हफीज़ ये बच्ची जो है वो टॉप करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ये इकलौती बच्ची है जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। ज़रा सोचिए कि कुल मिलाकर भारत से 25 बच्चों का इसमें चयन किया गया है, इस कंपटीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चों को चुना गया है, और उन 25 बच्चों में हमारी ये ठाठरी की बच्ची जो है सादिया हफीज़ ये भी शामिल है, 14 वर्षीय ये बच्ची जो है वो शामिल है। गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की ये बच्ची है ठाठरी से, ठाठरी में पढ़ने वाली है, और माता पिता परिवारजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके वहाँ की एक बच्ची जो है वो इस लेवल के कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक जो हैं वो बहुत खुश हैं, और खुश होना भी चाहिए, और हम सब इस प्यारी सी बच्ची के लिए बहुत खुश हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस कंपटीशन में जो है ये अव्वल दर्जे पर आए। आप सब भी अपनी दुआएँ जो है सादिया हफीज़ के लिए अपने कमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।